दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से अहम आविष्कार और खोजें हुई हैं, जिसने हमारी पूरी दुनिया के विकास में अहम योगदान दिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी खोज के बारे में बात करेंगे जिसने हमारी दुनिया के विकास में तेजी ला दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के बारे में। हम आपको बता दें कि आज की दुनिया में कच्चा तेल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। हम चाहे किसी भी ऊर्जा के पदार्थ की बात करें, उनमें सबसे ज्यादा तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में तेल के कारण ही इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जहाज जैसी चीजें चलती हैं। खनिज तेल, जिसकी सहायता से हमें अनेक ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं, जैसे कि हम इसी खनिज तेल को शुद्ध करके उससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के भिन्न भिन्न गुण और स्तर वाले तेल बना सकते हैं और अलग अलग जगह जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको तेल की खोज के बारे में बताएंगे कि तेल के कुएं की खोज किस तरह से हुई थी और सबसे पहले तेल का कुआं कब और कहां खोदा गया था। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में तेल की खोज के बारे में विस्तार से जानने के लिए। कच्चे तेल की खोज से पहले की दुनिया। पहले के समय में जब दुनिया में कहीं भी खनिज तेल की खोज नहीं हुई थी, तब तक तेल दूसरे प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता था, जैसे व्हेल मछली, पशुओं की चर्बी और प्राकृतिक मोम आदि। आपको बता दें कि पहले के समय में तेल का उपयोग सिर्फ रातों को रोशनी के लिए होता था। उस समय तक कोई ऐसा वाहन या यंत्र नहीं हुआ करता था जिसमें तेल का प्रयोग किया जा सके। हालांकि सन 1776 में जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था। दोस्तों, भाप के इंजन का असल आविष्कारक कौन था, ये भी थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप भाप इंजन के असल आविष्कारक के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि जेम्स वॉट के इंजन में ईंधन के तौर पर कोयले का प्रयोग किया जाता था। और आपको ये भी बता दें कि 15वीं सदी के आखिर तक कोयले की खोज की जा चुकी थी। आपको बता दें कि 18वीं सदी तक रोशनी के लिए मोमबत्ती बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी थी। हालांकि अच्छी रोशनी के लिए कई तरह के लैंप को बनाया गया था, जिसमें व्हेल मछली की चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये तेल बहुत ही महंगा हुआ करते थे। तकरीबन एक लैंप को रोज जलाने के लिए उस समय $10 प्रति महीने लग जाया करते थे। कच्चे तेल की खोज कैसे शुरू हुई? आपको बता दें कि इतिहासकारों के मुताबिक कच्चे तेल की खोज बहुत पहले लगभग सन 347 में चीन में की जा चुकी थी। वहां के लोग छोटे छोटे तेल के कुएं खोदकर उसमें से कच्चे तेल, जो कि कीचड़युक्त हुआ करता था, उसको निकाल लेते थे, जिसका इस्तेमाल वे जलाने के लिए और इमारतों को बनाने के लिए करते थे। और इसी तरह के सबूत प्राचीन शहर बेबीलोन से भी मिलते हैं, जहाँ की कई इमारतों को बनाने के लिए कच्चे तेल से निकले पदार्थों का प्रयोग किया गया। और कई इतिहासकारों के मुताबिक पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल का प्रयोग यहाँ मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता था। आपको बता दें कि इसके बाद समय समय पर कई बार कच्चे तेल की किसी नदी या खुदाई के समय कहीं कहीं से मिलने की खबरें आती रहीं। हालांकि इसका कभी भी सही से इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। आपको बता दें कि सन 1679 में एक फ्रेंच खोजकर्ता द्वारा कोयले की खोज के बाद से कोयले का प्रयोग एक उपयोगी ईंधन के तौर पर किया जाने लगा था, जिसका इस्तेमाल रोशनी के लिए तो किया जाता था और साथ ही साथ भाप इंजन में भी किया जाने लगा, जो कि रेलगाड़ी और कारखानों में प्रयोग होता था। और फिर बदलते वक्त के साथ साथ कोयले से भी तेल निकाला जाने लगा। फिर 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, तब कई कारखानों में रातों में काम करने के लिए तेज रोशनी की जरूरत पड़ी। उस समय व्हेल मछली से बनने वाले तेल और कोयले से जलने वाले चिराग उतने कारगर साबित नहीं हो सके थे, उनको इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कतें आती थीं और साथ ही उनको मेंटेन करने में बहुत वक्त लगता था। और फिर जब धीरे धीरे कोयले की मांग तेज हुई तो उसकी खोज भी तेजी से की जाने लगी और जगह जगह कोयले की खुदाई के लिए खदानें खोदी जाने लगी। फिर सन 1847 में इसी तरह कोयले की खदान से कोयले की खुदाई के वक्त कोई चिपचिपा सा पदार्थ रिसकर चट्टानों से बाहर आ रहा था, जिसके बाद स्कॉटिश केमिस्ट जेम्स यंग, जो कि उस वक्त खदान के इंचार्ज थे, उन्होंने उस पदार्थ को लेबोरेटरी में ले जाकर रिसर्च के लिए भेज दिया। और फिर पता चला कि अगर इस पदार्थ को कुछ मात्रा पर गर्म करके इसके अंदर कुछ तत्वों को अलग किया जाए तो जलाने योग्य तेल पाया जा सकता है और साथ ही इससे अच्छा लुब्रिकेंट भी मिल जाएगा। फिर सन 1852 में कैनेडियन खोजकर्ता अब्राहम जेंसर ने एक कामयाब तरीका ढूंढ निकाला कि आखिर कैसे क्रूड ऑयल को गर्म करके और थिन ऑयल को अलग किया जा सकता है, और फिर इसी ऑयल का नाम केरोसिन ऑयल पड़ा। आपको बता दें कि अभी तक तेल की खोज सिर्फ घरों और कारखानों को रोशनी करने के लिए होती थी, अभी तक पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। अब ये बात आम हो चुकी थी कि कच्चे तेल को रिफाइन करके जलाने लायक उपयोगी मिट्टी का तेल बनाया जा सकता है, जिसके बाद उस समय के कई खोजकर्ता और व्यापारी क्रूड ऑयल की खोज में अपना पैसा और समय लगा दिए। और फिर अब्राहम जेंसर ने कच्चे तेल की खोज की जिम्मेदारी एक व्यक्ति एडविन एल डेक को सौंप दी।
जिसके बाद एडविन एलरेक ने कई जगहों पर कच्चे तेल के लिए खुदाई का काम शुरू किया, पर शुरुआती वक्त में उनको कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कुछ सालों की मेहनत के बाद 1859 में 69 मीटर की गहराई पर खोदते समय धरती से तेल का फवारा फूट पड़ा, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि एडविन एलरेक ने कीचड़ में से इसकी खोज की थी। उनका मानना है कि एक बार वहां पर काम कर रहा था तो उसने वहां कीचड़ को समेटा, क्योंकि उस कीचड़ में तेल के समान कुछ पदार्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के इस कीचड़ को देखते हुए एक वकील ने उससे इस कीचड़ का एक नमूना मांगा और जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। कुछ समय बाद जब प्रयोगशाला से उस कीचड़ के नमूने की जांच का नतीजा आया तो उसमें पाया गया कि कोयले से निकलने वाले तेल की तुलना में इसमें कहीं ज्यादा तेल है और वो तेल शुद्ध भी है, जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते। आपको बता दें कि केरोसिन की खोज के बाद अब हर तरफ इसकी मांग बढ़ गई थी। जहां पहले कोयला और व्हेल मछली से बनने वाले तेल $10 प्रति महीने के हिसाब से पड़ते थे, वहीं केरोसिन ऑयल $10 प्रति साल के हिसाब से मिलने लगे और इससे जलने वाले लैंप ज्यादा अच्छी रोशनी देते थे, जिसके बाद अब्राहम जेंजर ने केरोसिन गैसलाइट कंपनी का निर्माण किया। जो भी हो, एडविन एलरेक को क्रूड ऑयल की खोज का आधिकारिक श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पेंसिल्वेनिया में दुनिया के पहले तेल के कुएं की खोज की और वहां से तेल को निकाला। इसके बाद दुनिया भर में तेल के अन्य स्रोतों का पता लगाया और दुनिया भर के कई अन्य देशों में तेल के कुएं मिलते चले गए।